हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। खमागणी, कैसे हो सब लोग? आई होप बिल्कुल बढ़िया होंगे। सब कर रहे होंगे दीपावली की तैयारी। और आज मैं कर रही हूँ अपने किचन की सफ़ाई। वैसे मैं किचन की हर महीने सफ़ाई करती रहती हूँ। उस टाइम मैं अपने सिर्फ कबर्ड खोल के उनका न्यूज़पेपर चेंज कर लेती हूँ, बट दिवाली को मैं पूरे कबर्ड को बाहर निकाल के पूरा अच्छे से अंदर से क्लीन करती हूँ, क्योंकि अंदर भी बहुत सारी डस्ट और छोटे छोटे से जाले जम जाते हैं। और इस बहाने मैं पूरे ड्रॉर को निकाल लेती हूँ और इसके बाद ड्रॉर को अच्छे से साफ़ करके वो 4-5 घंटे तक फ़ैन चला के इनको हवा में सुखा देती हूँ और फिर मैं वापस इसको लगा देती हूँ। तो आप देखो। तो ये देखिए, मेरे सारे कवर्स धुल गए हैं और धुल के मैंने सूखने के लिए इनको रख दिया है। और किचन के प्लेटफॉर्म का जो हालत है वो देखो, पूरे कवर्स का सामान प्लेटफॉर्म पे ही आ रखा है। हमें किचन की सफ़ाई में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और अब मेरे किचन की सफ़ाई हुई कंप्लीट। और ये देखिए, मैंने ड्रॉर को कैसे कैसे सेट किए। तो अभी मेरी किचन की सफ़ाई ख़त्म हो चुकी है और ये देख सकते हो आप, मेरी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है।
सफाई करने के बाद ऐसे किचन और रूम बिल्कुल हल्के से लगने लग जाते हैं। और मैंने इस बार फ्रिज और डाइनिंग की जगह भी चेंज कर दी है। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, जो मेरे सिंक के पास का एरिया है वहाँ बर्तन साफ़ करते हुए छींटे विंटे गिर के ख़राब हो चुका था, और फंक्शन में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था तो भद्दा सा दिख रहा था। तो मैंने एक प्राइमर का पैकेट मंगवाया और मैं यहाँ कर दूँगी प्राइमर, तो वापस वाइट वाइट क्लीन दिखने लग जाएगा। ओके बाय, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।